कराची के इलाके लाइन्स एरिया, धोबीघाट, पार्किंग प्लाजा और अतराफ के इलाकों में रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। 10 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। उधर कायदाबाद से 2 डाकू गिरफ्तार करके असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मजीद बात करते हैं, नवीद सदीकी मौजूद है। नवीद, बताया गया इस सर्च ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, चल रहे इमाम हुसैन के सिलसिले में जो है रेंजर्स की जाने से सदर के इलाकों में ऑपरेशन किया गया है, जिसमें जो है धोबीघाट, पार्किंग प्लाजा और लाइन जीरे के इलाके शामिल है, जिसके दौरान जो है 10 से ज्यादा अफराद को जो है हिरासत में लिया गया है, जिससे तफ्तीश जारी है। ऑपरेशन जो है तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक जारी रहा, जिसके दौरान जो इलाके को सील करके घरों की तलाशी ली गई। इसके अलावा मुश्तबा जो अफराद थे उनका जो है डेटा वो भी चेक किया गया, वेरिफिकेशन की गई बायोमेट्रिक, जिसके दौरान जो 10 अफराद थे उस पर इनको हिरासत में लिया गया है और उनसे तफ्तीश जारी है। इसके अलावा कराची के इलाके कायदाबाद में जो है पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जिसके दौरान जो है 2 डकैत जो उनको गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान के कब्जे से 2 पिस्तौल और चुरीशुदा जो मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है। दोनों मुलजमान की जो शनाख्त है वो जफर और माजिद के नाम से हुई है, जबकि जो मुलजमान है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इससे कबल भी जो डकैती की वारदातें कर चुके हैं। नपियर और डाक थानों में जो इन दोनों मुकदमा इनके दोनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमात भी जो वो दर्ज हैं। जी ठीक है, मुकदमात भी दर्ज है। नवीद सदीकी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।